अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये है मेरे टमाटर के पौधे। ये मैंने तकरीबन नवंबर के महीने में बीज लगाए थे खुद ही घर में। टमाटर पड़ा था, उससे टमाटर का बीज लिए, उसे मिट्टी में लगा दिया। फिर मैंने उनके बाद जब पौधे निकल आए सीडलिंग छोटे छोटे, मैंने इस टब में शिफ्ट कर दिए थे। तो ये प्लास्टिक का टब है, इसमें पानी ख़त्म नहीं होता अगर ज़्यादा दे दें तो। मेरे पौधे गलने लग गए थे, तो मैंने बहुत से पौधे अगर गल गए थे तो मैंने उन्हें निकाल के कुछ पौधों को इनमें लगा दिया, इन मिट्टी के गमलों में। कि मेरे पास 14 इंच के गमले हैं दो, इसमें मेरे पास दो दो पौधे लगे हुए हैं। और आज फरवरी की 15 तारीख हो चुकी है और अभी तक मेरे पौधों की ग्रोथ ये है, यानी कि एक सीज़न मेरा पूरा ग्रोथ में ही गुजर गया, ना मुझे हार्वेस्टिंग हुई है ना कुछ। मगर स्टिल अभी ये सर्वाइव कर रहे हैं। अब क्योंकि बरसात शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, बाद से हुई 2-3 दिन तो ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं। इनके नए नए पत्ते निकल रहे हैं और इन्हें फूल भी बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। अब ये देख रहे हैं और अब ये फूल जो हैं टमाटर बनेंगे। ये भी कुछ फूल लगे हैं, कुछ ये अभी खिल रहे हैं नीचे, इस तरह इस पौधे को भी लगे हुए हैं ये अंदर। तो ये पौधों की हाइट अभी छोटी है, ये मज़ीद बड़े होंगे। मैंने इसके साथ ये लकड़ियाँ वगैरह ये सलाखें लगाई हैं लोहे की, ताकि सपोर्ट मिलता रहे। और ये टमाटर गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। अब देखते हैं हमारे पौधे कब तक हमें फल देते हैं, सब्जी। इसकी जड़ें जो हैं टमाटर की, ये ज़मीन के ऊपर होती हैं ज़्यादातर, इसलिए इसकी गोडी कम से कम करते हैं, यानी कि महीने में एक दफ़ा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके अलावा इसे पानी चाहिए होता है, मॉइस्ट मिट्टी रहनी चाहिए, जैसे कि ये है इस तरह। चलें मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।